हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जैसे मैंने पहले कई सारी वीडियोस बनाई थी, आपको जॉब रिलेटेड वीडियोस थी वो सारी, तो उन वीडियोस में मेरी एक वीडियो थी जो कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर थी, और वहाँ पर मैं गया था, मैंने लाइव आप लोगों को दिखाया था कि वहाँ पर मैंने कैसे रिज्यूम अप्लाई किया और कैसे क्या मेरा इंटरव्यू हुआ। तो गाइस, उसी के लिए मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। तो गाइस, मेरा जो है कल्याण ज्वेलर्स में मेरा जो था, तो मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसके लिए मेरे पास जो है मेरी ज्वाइनिंग कंफर्म हो गई है, और मेरे पास ये वहाँ से एक क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तो गाइस, ये आप देख लीजिए, ये रहा कल्याण ज्वेलर्स की साइट से, ये मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरे पास ये ज्वाइनिंग लेटर आया और क्या हुआ था। तो गाइज़, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो हैं कैसे वहाँ पे जाके अपना रिज्यूम, वहाँ पे क्या कल्याण पे क्या, मैं जैसे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सा ये परेशानी रहती है कि हम लोग कैसे एचआर को फेस करेंगे, कैसे हम अपना रिज्यूम सबमिट करेंगे। तो गाइज, वहाँ पे जाने के लिए देखिए, आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको सिंपली वहाँ पे जाना है, एचआर से मिलना है। अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी गए, मान लीजिए आप बिग बाज़ार में गए हैं, ठीक है, बिग बाज़ार तो अब जैसे रहा ही नहीं है, अब रिलायंस स्मार्ट हो गया, वहाँ पे आप गए आपको जॉब के लिए, आपने वहाँ पे रिज्यूम लेके जाइए, अंदर किसी भी स्टाफ से आप पूछेंगे कि सर मुझे जो है अपना रिज्यूम सबमिट करना है चार के पास में, तो वहाँ पे कैसे कहाँ पे बैठते हैं चार, मुझे वहाँ पे जाना है, तो आप वहाँ पे जाएंगे और उनको अपना रिज्यूम देंगे, और रिज्यूम देने के बाद में डायरेक्ट उनसे बात करेंगे। क्या होता है गाइस, आजकल का टाइम यह है कि हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी जॉब मिलती है। मेरे पास, मैं कई वीडियोस डालता हूँ, तो मेरे पास जनरली लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कहीं पे जॉब मिली या नहीं मिली। तो गाइस, मैं आपको जैसे बता दूँ, मैं अभी तक 5 से 6 जगह पर जॉब कर चुका हूँ, और मेरे पास अभी रिसेंटली ये रहा कल्याण ज्वेलर्स का, ये मेरे पास वहाँ से मेल आया है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये मेरा कंफर्मेशन लेटर आया है, और ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए गाइस, ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद में आपको सबसे पहले एचआर से मिलना होगा, अपना रिज्यूम सबमिट करना होगा, उसके बाद में आपके पास कॉल आएगी, कॉल आने के बाद में आपको वहाँ पर जाके अपना जो इंटरव्यू है वो अच्छे से देना है, पूरा प्रिपेयर होके जाना है, वहाँ पे एकदम फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाना है, आपको सीवी वगैरह क्लीन सेव करके एकदम जाना है। उसके बाद में जो है आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में सेकंड राउंड होगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, और लास्ट राउंड में आपका जो है फाइनल हो जाएगा। तो गाइस, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा कल्याण ज्वेलर्स का जो है ज्वाइनिंग लेटर आया है, ये देखिए आप, ये मेरे पास आ गया है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मेरे लिए क्या क्या है। तो सबसे पहला तो ये है, मुझे जो है एक सेल्समैन की जॉब मिली थी कल्याण ज्वेलर्स ऑर्गेनाइजेशन में। योर ज्वाइनिंग डेट विल बी ऑन 10/09/12 AM। तो इस पर सैलरी वगैरह का भी सारा चीज़ें लिखी हुई हैं, सैलरी के बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, अगर आप कल्याण ज्वेलर्स ज्वाइन करेंगे, जो कि ज्वेलरी का शोरूम है, वहाँ पे अगर आपने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर लिया है, 5 से 6 महीने के बाद में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप वहाँ से 50 से 60 हज़ार रुपये महीने विद इंसेंटिव और सैलरी के, सैलरी तो आपकी अलग रही, केवल इंसेंटिव 50 से 60 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। तो गाइस, जैसा कि मेरा ये कल्याण ज्वेलर्स का आया है, लेकिन मैंने क्या है ना, मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे केवल एक वीडियो बनाने के लिए गया था आप लोगों के लिए, कि गाइस जैसे कई लोग हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे से बोलते हैं कि रजत भाई कहीं पे कोई जॉब हो बताओ, आप तो, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं, तो कहीं पे कुछ मुझे भी बता दो। तो गाइस, उन्हीं लोगों को देख के मेरे मन में एक आइडिया आया कि मैं उन लोगों को बताता हूँ, इससे बढ़िया मैं यूट्यूब पर थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाऊँगा, आप लोगों को भी पता चलता रहेगा और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चलता रहेगा, तो मैं अब यूट्यूब पर जो है वीडियो बनाता हूँ। तो मेरी, मैंने कई वीडियोस बनाई थी लुलू मॉल में जो था, वहाँ पे मेरे वीडियो देखने वाले और मेरे पर्सनली फ्रेंड्स कई हैं जिनकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है, और कल्याण ज्वेलर्स में भी मेरा एक सब्सक्राइबर था जो मेरे साथ में गया था, उसका मैं नाम नहीं बताऊँगा, बट उसने भी ज्वाइन कर लिया, और वो लुलू मॉल में जो कल्याण ज्वेलर्स ओपन हुआ है वो वहीं पर जॉब कर रहा है। तो गाइज, सबसे पहला आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना होगा अपने ऊपर, और दूसरा आपको घर बैठे जॉब नहीं मिलेगी,
मैं आपको जैसे बताता हूँ कि आपको वहाँ पे जाना है, इंटरव्यू देना है, तो आप इंटरव्यू दीजिए, अपना रिज्यूम सबमिट कीजिए और उसके बाद में आपके पास पक्का कहीं ना कहीं से कॉल आनी ही है, उसके बाद में आपको ज्वाइन करना है, इंटरव्यू देना है। लेकिन गाइस घर बैठे हुए आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलनी है। तो सबसे पहला तो ये है कि कमेंट्स में आप जो लिखते हैं कि भाई मेरी भी जॉब लगवा दो, तो देखो गाइस मेरे पास जो है ना, मेरे पास मतलब किसी से वहाँ पे मेरा कोई लिंक नहीं है। मैंने आज तक जितनी भी जॉब की हैं खुद के दम पे की हैं। मैं वहाँ पे जाता था, जाने के बाद मैं इंटरव्यू देता था, इंटरव्यू देने के बाद मैं अगर सिलेक्ट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सिलेक्ट हुआ है तो मैं और जगह ट्राई करता था। मैं एक जगह का बैठता नहीं था सोच के कि मेरी यहीं पे जॉब होनी है और यहीं पे लगनी है। गाइस सबसे पहला आपको कहीं पे भी एक जगह पे डिपेंड नहीं होना है। अगर आपको जॉब करनी है तो आपको कम से कम 5 से 6 जगह पे रिज्यूम देना है, उसके बाद में आपके पास रिज़ल्ट निकल के आएगा। तो गाइस जैसे कि मेरे पास ये आया है कल्याण ज्वेलर्स का, तो मैंने वहाँ पे दिया था, मैंने इंटरव्यू भी दिया था और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। आप लोग अगर चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और वहाँ से मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अपना जो है रिज्यूम सबमिट किया था। तो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और ये जो कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स की, बहुत बड़ी कंपनी है पूरे इंडिया में, और ये धीरे धीरे अपने आप को और मतलब और जगहों पे स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, जैसे बरेली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। तो जितने भी छोटे छोटे एरियाज हैं वहाँ पे भी ये लोग अपना जो है शोरूम ओपन कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप लोगों के अंदर एबिलिटी है, आप लोग एकदम वेल ग्रूम्ड हैं, अच्छे से मतलब पर्सनैलिटी आपकी ठीक है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और वहाँ पर जाने के लिए आपको सिंपली करना है, आपको वहाँ पर शोरूम पर जाना है और शोरूम पे जाने के बाद में आपको अपना किसी से भी पूछना है कि भैया मुझे अपना इंटरव्यू रिज्यूम जो है सबमिट करना है, कहाँ पे सबमिट होगा वो बता देंगे। आप वहाँ पे सबमिट करके आ जाइए, आपके पास कॉल आएगी, आपका इंटरव्यू होगा। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को आप पूरा देखें। और आपको पक्का कहीं ना कहीं मैं जो भी देखिए, आपको जो भी वीडियोस बनाता हूँ मैं ऐसे नहीं बना देता हूँ कि घर बैठे जॉब मिल जाएगी ये वो, मैं आपको एकदम रियलिटी दिखाता हूँ। रियलिटी का मतलब है कि मैं आपको खुद जाऊँगा, मैं खुद करके दिखाऊँगा अपने आप कि मैंने कैसे वहाँ पर इंटरव्यू दिया और कैसे मेरी जॉब लगी है। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम पर और भी ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो गाइस ये देखिए, ये मेरी, आप लोग बोलते हैं ना कि मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं बताता हूँ, मैं रियलिटी आप लोगों को बताता हूँ। और रियलिटी यही है कि आप लोगों को मैं जैसे बताऊँ, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, जाने के बाद में रिज्यूम सबमिट करना पड़ेगा। और मैं मेरे पास कोई लिंक नहीं है, ना ही तो मेरा कोई जानने वाला है, मैं खुद की दम पे जाता हूँ, मैं अपने आप से जाता हूँ और मैं खुद वहाँ पे रिज्यूम अपना पर्सनली सबमिट करता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, उसके बाद में मेरी जॉब लगती है। तो गाइस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कहीं ना कहीं ट्राई करिए। आप एक बार कहीं पे जॉब करेंगे ना, उसके बाद में आपके पास एक्सपीरियंस खुद ब खुद हो जाएगा, फिर आप कहीं पे भी जो है अपनी जॉब जो है कहीं पे भी रिज्यूम डाल सकते हैं, कहीं पे भी मतलब किसी भी आप जिस जगह पर जाएँ वहाँ पर कर सकते हैं। मैक्स हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, बिग फ्यूचर ग्रुप का बिग बाज़ार हो गया, और बिग बाज़ार रिलायंस स्मार्ट बाज़ार हो गया। तो बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, ऐसा नहीं है जॉब की कमी है, लेकिन कमी है तो आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनकी। आपको एकदम कॉन्फिडेंट होना है, अगर जॉब लेनी है तो जॉब लेनी है, आपको जाना है कई जगह पर रिज्यूम सबमिट करने। और अगर आपको रिज्यूम सबमिट करने के बाद में कहीं से इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे पास कॉल करिए या मैसेज करिए, मेरे जो भी रहता है। आप यूट्यूब पे एक कमेंट भी कर देंगे ना तो भी मैं आपको पूरा बता दूंगा।